जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि MIM इस शहर में एक अपोजिशन का तगड़ा रोल निभा रही है। हम ही फर्स्ट फ्रंट अपोजिशन है इस शहर में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कोई करप्शन हमारे सामने आता है हम आवाम के बीच में सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए लाते हैं। उसी लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है कि एक बहुत ही बड़ा करप्शन जो हमारे सामने आया है, काफ़ी पेपर वर्क करने के बाद हमारे जावेद भाई के हमको सच्चाई सामने से आके मिली है, तो हमने वो आप लोगों के सामने लाना है ताकि वो आवाम को पता चले कि इस शहर में जहाँ पर गटर नाले बनाने के बहाने आपके स्टेडियम बेच दिए जा, आपके ग्राउंड बेच दिए जाते हैं, आपके लाइब्रेरी बेच दी जाती है, वहाँ पर इन लोगों ने कब्रिस्तान जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा। जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं, उनके जो नगर सेवक लोग हैं, जो उनके MLA, उन्होंने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। ये सबको पता है, 2019 का सबको पता है किस तरीके से पूरे शहर के कब्रिस्तानों को बंद कराया गया और पीछे जो कब्रिस्तान का सबको विरोध था वो ज़बरदस्ती चालू कराया गया। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए कहानी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो 2019 से शुरू होती है। आप लोगों को पता होगा कौसा कब्रिस्तान है, जो कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने कब्रिस्तान बंद कर दिया ये कह करके कि अभी कब्रिस्तान के हालात सही नहीं है। और इससे देखो हर कोई मुझे भी वाकिफ था कि वहाँ पर वाकई में हालात सही नहीं है। वहाँ पर जब तकदीन के लिए जाओ तो दो चार मुंडी वहाँ अंदर से निकलती थी, हड्डियाँ निकलती थी, बोलना नहीं चाहिए। बहुत सी जगहों पे तो कब्र में सही से बॉडी रिजॉल्व भी नहीं हुई, ऐसी बॉडीज भी निकली है। तो वो अपनी जगह पे सही थे, हम इसकी वजह से उन्होंने कब्रिस्तान बंद किया जो आज तक चालू नहीं हुआ है। आज भी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए हर कोई वो पीछे MMLA के कब्रिस्तान जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको मान्यता अभी तक मिली नहीं है, इसके लिए हर कोई डरता है। आपको पता होगा आज भी वो जो यहाँ से अभी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है जिन पर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप है उनकी साइन पे चल रहा है, अभी तक उसको कोई भी लीगल मान्यता नहीं मिली है। तो सब चाहते हैं कि हमको भी जब यहाँ पर कोई मैयत हो आसपास के इलाके में तो कुछ लोगों को वहाँ तब्दील करने मिलता है कौसा कब्रिस्तान में, तो हमको फोन आते हैं, आपको फोन आते हैं एज अ पत्रकार या शहर के जितने भी भाई हमारे को अगर कुछ होता होगा तो हमारे को वहाँ करवा दो, लेकिन वो कब्रिस्तान चालू नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी पत्र व्यवहार करने के बाद के 2019 में कब्रिस्तान बंद हुआ, 2020 में मैंने उनको लेटर दिया कि आप लोग कब्रिस्तान चालू करो। जावेद भाई 2020 से मैं फिर आई हटा यहाँ से, आप लोगों को पता उसके जावेद भाई मुसलसल उनसे लगे। अब जा करके हम लोगों को TMC से जावेद भाई ने कुछ पेपर निकाले कि कब्रिस्तान बंद है और एक यूनिट, तो बहुत शॉकिंग हम लोगों को सामने बातें आई है। मैं आपको पेपर के जरिए बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये प्रभात समिति का पेपर है जो थ्रू RDI जावेद सिद्दीकी भाई ने प्रभात समिति से निकाला है। इसका लास्ट लाइन पे आप जरा जूम करिए, ये देखिए मुमरा कब्रिस्तान चा उसके लिए दुरुस्ती के लिए अंदर यहाँ पर 29,97,623 ये पैसा आया है 2018 में, ठीक है। ये एक है, ये सेकंड, एक मिनट ना भैया पकड़िए थोड़ा, ये सेकंड पैसा आप देखिए वापस से आया है 30 का मदिल कौसा सुन्नी कब्रिस्तान चा लागत अंदर उसके, उसका भी पैसा आया 29,99,700। यानी दोनों पैसों को जब मिलाते हैं, एक मिनट, दोनों पैसों को जब मिलाते हैं तो टोटल पैसा होता है 59,74,323। 59 लाख यानी 60 लाख करीबन, वो सी वो आंकड़े वो 6,000 के 7,000 के स्केल हटाए गए कि लोगों को इसमें बड़ा फिगर नहीं दिखे, लगभग 60 लाख रुपया 2018 में, 17 में प्रस्ताव किया गया, 2018 में शहर में आ गए कौसा कब्रिस्तान के लिए, स्पेशली ये कब्रिस्तान के लिए। और आज भी वहाँ के हालात आप देखे होंगे कि वहाँ पर मिट्टी दूसरी, तो हमने जावेद भाई ने क्या किया कि कौसा सुन्दी जो ट्रस्ट है जामा ट्रस्ट उनको उन्होंने लेटर लिखा कि आप लोगों के वहाँ पर 2017 से लेकर के या उसके पहले भी 16 से लेकर के 22 तलक 23 तलक जितना TMC से पैसा आया जो जो लगा है हमको डिटेल दो। तो उन्होंने लेटर लिखी दिया है, मैं उनका लेटर दिखाता हूं आपको, ये आप देख सकते हैं ये कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने लेटर दिया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि TMC का एक पैसा नहीं लगा है 2017 से 2023 तक, उससे पहले अगर 4-5 साल पहले किसी ने लगाया तो उसका नहीं उन लोगों ने तस्करा किया है, लेकिन 17 से स्पेसिफिक 18 में हमारा भी वही बोलना है कि 2018 में 60 लाख शहर में आता है कब्रिस्तान के लिए। ये लोग इतने अभी आप जनता फैसला करे कि जिनको इनने चुन के दिए वो कब्रिस्तान को जब बेच के खा रहे तो वो आप लोगों के लिए क्या करेंगे, कब्रिस्तान के लिए पैसा उठा के खा जा रहे। आप देखो 60 लाख पास एक कौसा ट्रस्ट का है, कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट के उसके स्टैम्प्स हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि हम लोगों के वहां पर एक भी पैसा नहीं लगा है। आज भी
इसमें नीचे उन लोगों की एक लाइन भी लिखी कि आज भी हम लोगों को मिट्टी भरनी करने के लिए जरूरत है। मैं आपको इसका हिसाब बताना चाहता हूं कि देखिए कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ का कब्रिस्तान है हमारा कौसा जामा मस्जिद, उसका हम लोगों ने उसका हिसाब जब निकाला एक्सपर्ट से तो हमको पता चला कि वहां पर 21 बरास के करीब मिट्टी भरनी होती है। अगर 3-3 फीट अगर मिट्टी भरते तो 2100 ब्रास के करीब मिट्टी भरी जाती, जिसको अगर हम लोग 700 रुपए से भी पकड़ते तो 14,70,000 रुपए की मिट्टी आती, अच्छी वाली मिट्टी जो कब्रिस्तान में लगती, जो बेहतरीन होती है, यानी डिसॉल्व्स के लिए जो बॉडी डिसॉल्व होना चाहिए जो मिट्टी से, जो उसका हम भाव बता रहे 700 से आता भी अगर हम एक्सपेंसिव पकड़ते तो भी 14,70,000, 5 लाख रुपया मजदूरों की मजदूरी पकड़ते। अगर ये 20 लाख रुपए भी उधर कब्रिस्तान में लग जाता तो वो कब्रिस्तान बंद नहीं होता, आज भी वो बंद ही है। अगर वो बंद नहीं होता तो सोचो 20 लाख रुपए भी अगर ये 60 लाख जो पूरा खा गए जो लोग, जो पार्टी के लोगों ने, जो नगर चारों नगर सेवकों ने और उनके MLA ने, अगर ये 60 लाख पूरा खा गए, अगर वो नहीं खाते 20 लाख भी लगा देते तो हमारा कब्रिस्तान बंद नहीं होता। आज भी उसकी हालत बुरी, आप जाके देखो अंदर वजू खाना उसका टूटा हुआ है, ऊपर छपरा तक नहीं है। लोग अगर वहां पर जनाजे की नमाज बारिश में होती है तो बारिश में भीगते हुए पड़ते, वहां छपरा तक नहीं लगा, आप फोटोज देख सकते हैं। वहां पर कोई भी मिट्टी सही से भरी नहीं गई है, वहां पर बॉडी डिसॉल्व नहीं हो रही। आज भी अगर वहां पर तकदीन के लिए जाए तो एक साथ 3-3, 4-4 यानी हड्डियों के वो निकलते हैं और बॉडी सही हालत में नहीं होती कि वहां पर तकदीन किए जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने हमको डिटेल्स में ये लिख कर दिया कि हमारे वहाँ पैसा। मैं चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से, मैं ना आवाम से जो और भी दिक्कत या NGOs वगैरह में, उनसे अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार आप लोग के नाम से हुआ है, आप लोग के फंड है, तो हमको ऐसा हमको बुला करके बताए ताकि हम वो लोगों के सामने ला सके कि किस तरीके से पैसा खाया जाता है। आज अगर इन लोगों ने हमको ये लेटर नहीं देता तो हम ये समझते थे कि ये 60 लाख रुपया तो यानी वहाँ लगाए उन लोग नहीं कर रहे, उन लोग में से 20 लाख रुपया है ये किसने खाया है? 20 लाख नहीं, पूरे 60 लाख रुपया। हम तो बता रहे कि अगर अगर 20 लाख ये चारों नगर सेवक अगर वहां पर 30 प्रभाग नंबर 30 के अंदर अगर चार नगर सेवक है उनके अंदर पैसा पास हो रहा तो चारों ही मिल बांट के खाएंगे अपने MLA को मिला करके, क्योंकि हर काम का श्रेय तो MLA लेते हैं, उनके अधिकारी लोग ने मिलकर खाए उनके साथ। हमारा मुद्दा यह है कि 20 लाख रुपया अगर लगा दिया जाता वहां पर, 60 तो तुम चोर तो हो, तुम चोरी तो करोगे, लेकिन थोड़ा तो यानी सोचते शहर के लिए, कब्रिस्तान के लिए सोचते। अगर आप कब्रिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, नगर से इतना बड़ा हम बोलने तो दीजिए इस्लाम हुआ है। देखिए यहाँ पर चार नगर सेवक है, सिराज डोंगरे है यहाँ पर 30 में, हसीना शेख है, जफर नोमानी है और हफीजा नाहिक है, ये चारों नगर सेवक है यहाँ 30 प्रभाग 30 के लिए। अगर पैसा आया तो जाहिर सी बात है चारों नगर सेवकों के पास ही आया होगा। मैं और आप तो लेंगे नहीं, कोई न्यूज वालों को तो पैसा देगा नहीं, DMC हम लोग अपोजिशन को तो देगा नहीं। वहां पर 30 का लिखा तस्करा किया गया, प्रभाग 30 में पैसा गया तो नगर सेवक के पास ही गया रहेगा। और इनके जो MLA जो हर काम का श्रेय देते कि इनके नगर सेवक अगर कहीं पे मार्गदर्शन में यानी कहीं पे नाले का ढक्कन भी उठा के रखते तो उनके मार्गदर्शन में रखते तो उनका रहेगा, साजगढ़ अधिकारियों की रहेगी। हमारा ये बोलना है कि चोर चोरी करे हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करोगे तुम्हारी फितरत है, लेकिन कम से कम ये 60 लाख में से अगर 20 लाख खर्च हो जाता हमारे उधर पर मट्टी भरने पे तो आज कितनी यानी राहत हो जाती। ट्रस्ट वाले ही करवा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट को भी तो पैसा लगेगा ना करवाने के लिए। मेरा बोलना कैसा है कि अगर तुम कब्रिस्तान के नाम से पैसा उठा रहे हो TMC से तो ट्रस्ट वालों को पहुंचाओ तो सही। ट्रस्ट वाले तो बोल रहे कि हमको पैसा ही नहीं मिला, हमारे वहां पर एक पैसा नहीं लगा, वो लिख कर दे रहे ना। हम वही बोल रहे ना कि अगर नगर सेवक वो प्रभाग के है तो आपका फर्ज है कि आप इन्हें वहां पर हमारे मशरे के लिए कुछ काम करके दो। अगर वो कब्रिस्तान हमारे शहर में, ट्रस्ट ने पहले क्यों नहीं इस पे आवाज उठाई जब जरूरत थी, तो ट्रस्ट को पहले सामने आना चाहिए। ट्रस्ट तो भाई हमेशा मांगी रही है, मदद मांगी रही है। मैं आप लोग के जरिए अपील करता हूँ कि कोई अगर सवाबे जरिया करना चाहता है कोई यानी उनसे मदद करे, उनको ट्रस्ट को कॉन्टेक्ट करे, आज वहां पर मट्टी भरने की जरूरत है, हम भी करेंगे आप भी करिए। आप लोग यानी अपील अब ये बंद किया गया था ना कब्रिस्तान, तो ट्रस्ट बोली थी कि 6 महीने में इसको तैयार कर दिया। हाँ। तो आज 4 साल हो गया, तो ट्रस्ट ने अभी तक कब्रिस्तान के लिए कोई काम ही नहीं किया है क्या? नहीं, हम लोगों ने यही बात के लिए उनको हमने टच किया है, मेरा खुद का लेटर है उनको कि कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू किया जाए। फंडिंग का इशू बता करके वो नहीं कर रहे। मैं आप लोगों के जरिए अपील कर रहा हूँ कि भाई जो भी यानी हमारे शहर के अच्छे लोग होंगे जो चाहते होंगे थोड़ा सवाब जारिया करना तो वो वहां पर जाए, कब्रिस्तान ट्रस्ट से मुलाकात करे, जो भी जरूरत है जो आप दे सकते हो वहां पर दे, कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू हो।
इसके बंद करने की भी एक वजह होती है, वक्फ बोर्ड से ट्रस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड से लोग कोई कांटेक्ट करते नहीं, अपनी मर्जी से बंद करते, अपनी मर्जी से खोल देते। भाई देखिए, वक्फ बोर्ड को मेरा लेटर गया है उसके लिए, अब वहां से मेरे को जैसे जवाब आ जाएगा, अगर वो गलती रही इंशाल्लाह मैं खोलूंगा, लेकिन यहाँ मैं आज शुक्र गुजार हूँ ट्रस्ट का, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा करप्शन को जो ओपन होने के लिए हमको मदद की बताया है। अगर आज वो नहीं बताते तो हम तो यही सोचते, आप यही सोचते, ये देखो दुनिया का भ्रष्टाचार, ये पेपर देख रहे हो आप, ये पूरे पेपर पास हुए, एक एक कामों की डिटेल्स हम खोलेंगे, ये तो जावेद भाई ने कल लेकर आए। ये कब्रिस्तान पार्शियली बन हुआ है, अभी भी दफनाते हैं वहाँ पे लोगों को, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए, लिमिटेड लोगों को जो ट्रस्ट के करीब है। ये कब्रिस्तान बंद होने के बाद और नया कब्रिस्तान वहाँ पे शुरू हुआ, अभी 3 साल के तो ऊपर ही हो गया है, जबकि जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी तो उन्होंने कहा था सिर्फ 6 महीने के लिए बंद होगा, जब तक की जो पुरानी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व ना हो। नहीं देखिए, ये जैसा आप चाहते ना वैसा हम लोग भी चाहते, क्यों कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी एक का जब हमको रिक्वेस्ट वाला फोन आता है कि भाई प्लीज मेरे घर वालों को हमको नहीं जाना, बहुत से लोगों को अपनी पर्सनल ऑब्जेक्शन से वहां पर हमारे नहीं, बहुत से लोग शहर के नहीं जाना चाहते, तो हमको बोलते हमको भी रिक्वेस्ट करने, हम भी यानी आपके आपके जरिए भी बोल रहे हैं, हम भी खुद पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान को चालू कराया जाए, हमारा भी देखो कहीं ना कहीं फर्ज है, अगर वहां पर तकलीफ वाकई में है, उनके पास फंडिंग का प्रॉब्लम है, तो एज अ शहरवासी, एज अ मुस्लिम, मुझे भी वहां पर थोड़ी मदद करना चाहिए, आप लोग भी आपके जरिए से अपने आवाम जो अपील हम अपील कर रहे हैं, जो लोग हमको देख रहे हैं उनसे कि भाई थोड़ा आगे बढ़कर मदद करें, ताकि हमारे शहर का कब्रिस्तान जल्द से जल्द शुरू हो और लोगों को वहां 8 लाख रुपए का आप भ्रष्टाचार बता रहे हैं, जिन नगर सेवकों का आपने नाम लिया है, क्या उनके ऊपर कोई कानूनी उचित कार्रवाई करवाएंगे? देखिए ये अभी हम लोगों को यानी लेटर्स मिले हैं, हमारे डिटेल्स आपके पास सामने लाए, इंशाल्लाह ताला कल इसके ऊपर जावेद भाई जो है आपको डिटेल्स अभी तब्दील से बताएंगे कि वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं। हम तो इस पे यानी अक्सर देखा जाता है आप लोग इस तरह के भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं, किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराया जाता, तो फिर क्या माना जाए इसको? भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर कोई मुजरिम है तो उसे सजा क्यों नहीं दिलवाते? देखिए APCR है ना, अभी कोर्ट में ना हॉस्पिटल का केस डाली है, आपको कोई अपडेट आ रही है? अगर कोई कानूनी प्रक्रिया में जाता है ना तो उस चीज को टाइम लगता है, उसी तरीके से हम लोग टीएमसी को सुनो ना, इसकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हम कमिश्नर को कर रहे हैं, हर चीज को टाइम लगता है, जैसे ही उनपे कोई एक्शन होगा इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको, हमने जितने भी भ्रष्टाचार खोला है हम उसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट्स कंटिन्यूसली रेज कर रहे, वो बात और है कि हर चीज के लिए हर एक कंप्लेंट के बाद हम आपको अपडेट नहीं दे पा रहे, लेकिन हम कर रहे। तो इसी तरीके से ना जब भी कोई आने अगर किसी के खिलाफ, अभी इसके ऊपर जो 60 लाख का आपको क्या लगता है कि कल के कल इंक्वायरी हो जाएगी, कल के कल होगा, कल जावेद भाई कमिश्नर से मिलेंगे, उनको लेटर देंगे, कमिश्नर इंक्वायरी बोलेंगे कि भाई दूसरे अधिकारियों को करो, उनको यहाँ आपको भी पता है कि कितना टहलाया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारियों ने जितना बड़ा करप्शन करा है वो क्या इतनी आसानी से अपने साथियों को फंसा देंगे? तो ये चीज को टाइम लगता है, लेकिन हमारा काम एज अपोजिशन, हमारा काम है आवाम के बीच में सच ला के रखना। आपको नहीं लगता कि ये सच लोगों के सामने आना चाहिए कि ये 4 नगर सेवक है, MLA है, 60 लाख रुपए का करप्शन है, वो भी कब्रिस्तान का, उसी सच के साथ उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, अभी तो कार्रवाई होना शुरू हुई है, आज तक तुमको मालूम है कि ये सब मिनिस्टर और ये सब पावर्स का इस्तेमाल करके जितनी इनकम को पेपर तक नहीं मिलते थे भाई, ये पेपर निकालने के लिए ना आपको लगता है कहीं कहीं महीनों लग जाते हैं, अभी तो काम होना शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी अली बाबा और सब लोग है ना आपको जेल के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, सब पे इंक्वायरी और सब पे केस हो जाएंगे, तब जाएंगे 40 चोरों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जावेद भाई आप क्या खुलासा करना चाहेंगे कब्रिस्तान के मामले को लेकर? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, दूसरी बात मैं कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुमरा शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार और जो NCP पार्टी आज 10 से 15 साल यहाँ रह के जो फेर बदल करके हमारे शहर का हक छीना है, सबसे पहले हम लोग इसलिए आज आप लोगों को बुलाए हैं कि जो कब्रिस्तान का मुद्दा है ये बहुत गंभीर है, इससे हम सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। देखिए इस गली में कब्रिस्तान का मैं 30 साल से रहता हूँ, मैंने जब वहाँ गया कब्रिस्तान में एक मैयत दफन करने गए तो उसके बाजू में देखा पूरी बॉडी जो वहाँ वैसे पड़ी थी, देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम बोलते करते खाली बोलते, लेकिन इसको करना चाहिए। फिर उसके बाद में जब इस बात को संदीजा से हमारे सैफ पठान को बताया और इन्होंने इस बारे में पहले से काम कर रहे थे,
तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला नहीं टीएमसी से हमको कोई फंड नहीं मिला है और हम लोग इसीलिए है कि वहाँ मट्टी की भरने की ज़रूरत है। तो मैं बोला जब आपको नहीं टीएमसी ने फंड दिया है तो आप लिखित में दे दो। तो उन्होंने 10 दिन के बाद ये मुझे लेटर दिया है कि टीएमसी से हमको कोई फंड नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने सारे पेपर मिलाए, कल तो हमको पेपर मिला है तो उसको मालूम पड़ा कि ये 2017-18 के बीच में ये पैनल के जो नगर सेवक थे यानी एनसीपी के, अब उनके ऊपर संयम है कोतवाल, अब डर का है को उनके ऊपर जब हाथ रहा तो कब्रस्तान का भी पैसा ले सकते हैं। तो मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ ये कब्रस्तान के बारे में। आपको ये बता 29/10/2020 को सैफ भाई ने कब्रस्तान चालू करने की मांगनी किया था, उसके बाद इन्होंने शायद आपको पता होगा वो कब्रस्तान की सच्चाई खोलने के लिए इन्हों शहर बदर करना पड़ा, यही एनसीपी वालों ने किया था, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद मैंने जो है 1/10/2021 को मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र दिया था, मेरे पास पूरा कागज है, मैं आप लोगों को दूंगा। पत्र दिया मुख्यमंत्री ने, इसलिए उसको पत्र दिया कि 29/10 जब इन्होंने पत्र दिया था जामा मस्जिद ट्रस्ट को सैफ पठान ने कि ये कब्रस्तान को चालू करना चाहिए, फिर इन्होंने यहाँ से गए, फिर मैंने 1/10/2021 मुख्यमंत्री को पत्र दिया तो उन्होंने उस जवाब के ऊपर 22/10/2021 को मुख्यमंत्री अर्बन डेवलपमेंट नगर विकास ने जिसके पास पावर है कानून के कायदे के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, हम और तुम कर नहीं सकते, जो उसका बाप होता है उसी से लड़ाई लड़ा जाता है। वहां से फिर वो जब मुझे पत्र आया कि भाई हमने थाना महानगर पालिका में 22/10/2021 को पत्र भेजा है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कब्रस्तान में नहीं, वो कब्रस्तान में गुजरात की मट्टी नहीं आई है, इन्होंने कहा था वहां की गुजरात की मट्टी आई है, लेकिन हमारे एमएलए ने वहां खड़े होके जो मुमरा शहर के जो बिजनेस दा जो एक दो टोपी लगा के उनके बाजू में हमेशा खड़े रहते हैं, वो लोगों ने शहादत दिया कब्रस्तान में खड़े होके कि गुजरात से मट्टी आई है। तब साबित हो गया है कि गुजरात से मट्टी आई नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ। वो कब्रस्तान की बात मत, नहीं नहीं अरे नहीं, नहीं आप बता रहा हूँ वो कब्रस्तान से का रिलेटेड है, रिलेटेड है, एक मिनट वो बात क्यों दबा रहे, उस बात को भी बताऊंगा। फिर उसके बाद सुनो, उसके बाद तुमने उजागर सुनो, उसका बताओ ना, उजागर तो पूरे मुमरा का कर रहा है, पहले तो कोई उजागर भी नहीं किया था जावेद भाई, उजागर सबके सामने बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं क्या एक्चुअल है ना, ये जो बंद किया गया जैसा आप लोग भी बता रहे हो 19 में बंद किया गया, तो उसके रीजन यही बताया गया कि यहाँ पर सही नहीं है करके, और कहीं ना कहीं वहाँ चालू किया गया, तो दोनों कब्रस्तान का रिलेटेड करके जावेद भाई बता रहे, ठीक है। हम लोग जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था हमको, हम वो आपके सामने ला चुके। आप देखिए कि एक टाइम पे 18 में ही 29,99,700 रुपया डा बोल कर लिया गया, 30 आ बोल करके 29,74,623 लिया गया, टोटल अमाउंट जो होती है 59,74,323 यानी 60 लाख रुपए। आज कब्रस्तान को, ये हमारे कौसा कब्रस्तान को, मैं आपको वापस से छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि जरूरत क्या थी, कि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी मिट्टी भर जाए, 1.25 एकड़ का कब्रस्तान है हमारा, 2100 ब्रास मिट्टी जाती, अगर 3-3 फीट मिट्टी भरी जाती तो मैं बता रहा हूँ मुश्किल से 15 लाख की मिट्टी आती, 5 लाख मजदूरी, 20 लाख हमारा यही बोलने का कि 60 लाख पूरा खाली आ गया। तो हम लोग किनको यानी किनको चुन के दे रहे हैं, आवाम को हम बताना चाहते हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन था, जैसे कि आपने जब भी बात की ट्रस्ट वालों से और ये नहीं मालूम उजागर करने के बाद जब आपने उनको बताया कि इतना ट्रस्ट मतलब कब्रस्तान के लिए इतना फंड आया है टीएमसी को पता ही नहीं था, नहीं आपने उजागर, सुनो सुनो वो लोग ये न्यूज के जरिए उनको पता चलेगा, हमको ये पेपर जो है ना, पेपर जो कब्रस्तान के हमको कल ये सब मिले, सब कल मिले हैं ये कब्रस्तान, हमने इनसे पूछा कि हमको वर्बली देखो आपको पता है कि हमको पता चला, आप भी म्यूनसिपालिटी जाओगे आगे आपको पता चलेगा वहाँ रोड का काम चालू है, वर्क ऑर्डर बिना काम होता है जो भी होता है, तो हमको ये मालूम पड़ा कि कौसा कब्रस्तान के लिए भी पैसा गया है। हमने दोनों तरफ पेपर डाला, कौसा कब्रस्तान में भी डाला कि कितना फंड यूज हुआ यहाँ पर 2016-17 के बाद, और टीएमसी में भी डाला कि हमको पूरा फंड जितना ये प्रभाग में यूज किया गया है हमको सबकी डिटेल दे, जिसकी आप देख सकते हो ये पूरी फाइल है, ये तो अभी हम सिर्फ कब्रस्तान का एक खोल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम पूरा धीरे धीरे पूरे वार्ड में सब खोलेंगे जावेद भाई, वो इंडिविजुअल लेवल पे सब खोलेंगे। तो ये उससे उस जरिए बाहर आया, अभी आपके जरिए कौसा ट्रस्ट को भी मालूम पड़ेगा
जैसा हमने बताया जावेद भाई इसके खिलाफ जाने आगे ऊपर भी जाने वाले टीएमसी कमिश्नर से भी मुलाकात करने वाले, हम खुद इस पे इंक्वायरी की बात करेंगे, क्योंकि 60 लाख छोटी अमाउंट तो होती नहीं है, उतना बड़ा पैसा गया कहाँ, हम खुद उस पे आने बात करेंगे और इस पे कार्रवाई करने की मांग करेंगे। कौसा ट्रस्ट को भी कहेंगे कि आप भी मांग करिए। देखो, आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि जिस शहर में आज तक गोलमाल करके चलता गया, लेकिन MIM ऐसी पार्टी है कि जो सच्चाई है वो सामने लाई है। सबसे पहले तो ये कब्रिस्तान में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है अभी उन्होंने लिख के दिया कि भरनी मट्टी की जरूरत है। कौन लिख के दिया है? उन्होंने। अभी जब हमने पत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान मधे माफी सच्ची गरा जाए, तो इसके लिए हम सभी लोग इस कब्रिस्तान के लिए मट्टी भरने के लिए कोई ऐसा सिस्टम करें। इंशाल्लाह हम जरूर कमिश्नर के पास एक दो दिन में जाएंगे और इस कब्रिस्तान को भी आबाद करने की बात करेंगे। और जिन्होंने इस कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार किया है, देर देखो जरूर होता है, ये बापू का देश है, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप बोले उजगार किए अलका कल हो जाए, गोस्वामी कितने साल रहा, कितने दिन के बाद उसको गया, तो इसके लिए आप लोगों को धीरज रखना पड़ेगा। हम जनता की जो सहूलियत इन्होंने छीने हैं NCP आज 10 से 12 15 साल में रह के, वो एक एक चीज हम सारी जनता को बताएंगे कि यहाँ की जनता का जो सहूलियत थी इन्होंने छीना है, उसके खिलाफ भाई थोड़ा वापस से अपील करना चाहता हूँ हमारे शहर की आवाम से, आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सर्वे कर ले कब्रिस्तान पे जाकर के, वहाँ आज गुसल खाने की हालत देखे आप, वजू खाने की हालत देखे आप, जहाँ नमाज जनाजा पढ़ी जाती है उसके छपरे की हालत देखे आज, कब्रिस्तान का एक सर्वे करके लोगों के बीच में उसको शाया करे, ताकि लोग यानी वहाँ पर जो अच्छे लोग है इस शहर में वो उसमें कुछ मदद करें बढ़ चढ़ करके, और जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान चालू हो ताकि लोगों को रियायत हो। आज काफी लोग परेशान होते दस दिन के लिए, माटी की भरने की जरूरत है भाई। और वो बोले भी देखे जो है शेड है वहाँ पे जनाजा की नमाज भी पढ़ी जाती है, वो शेड टूटा पड़ा है, अगर वो आज बना रहता तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ नहीं होती। तो हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं कि यह काम बहुत जरूरी है।